स्मॉग के जहरीले वार, पंजाब हुकूमत निपटने को तैयार। स्मॉग के पेश नजर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। डेविस रोड, एडजर्टन रोड, ड्यूरेंट रोड और कश्मीर रोड हॉटस्पॉट इलाके। शिमला पहाड़ी, एबट रोड, रेलवे स्टेशन और एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट इलाकों में शामिल। तर्जुमान महकमा माहौलियात के मुताबिक ग्रीन लॉकडाउन वाले इलाकों में तामीराती कामों, मोटरसाइकिल, रिक्शा और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी। कमर्शियल जनरेटर्स नहीं चलाए जाएंगे। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। लाहौर में स्मॉग की शिद्दत बदस्तूर बरकरार। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 215 रिकॉर्ड किया गया। स्मॉग के बायस शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी, आंखों में जलन की शिकायत, गला खराब और जिल्द की बीमारियों के केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत की शहरियों को मास्क पहनने की हिदायत। स्मॉग को आफत करार दे दिया गया। जो बच्चे भी बीमारियों में मुब्तला हैं उन्हें 3 माह के लिए घरों में भेज दिया जाए। महकमा माहौलियात ने स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट को हदायत जारी कर दी। दीगर तालीमी इदारों में छुट्टियां होंगी या नहीं, कोई ऐलान न हुआ। आज हमें स्मॉग के बहुत बड़े इशू का, चैलेंज का सामना है जिससे कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। स्मॉग को ख़त्म करना कोई एक रात, एक महीने या एक साल का काम नहीं है, इसको बेहतर करते करते कई साल लग जाएंगे। स्मॉग ख़त्म करने में कई साल लगेंगे। स्मॉग के बायस बहुत से बीमारियां जन्म ले रही हैं। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, बोली भारत भी स्मॉग के खिलाफ इकदाम उठाए तो फिजा बेहतर होगी। हुकूमत ग्रीन पंजाब के लिए इकदाम कर रही है। सुपर सीडर की तादाद बढ़ाकर 1000 कर दी गई। हुकूमत और किसानों में गलत फहमी फैलाने की कोशिश की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट का फसलों की बाकियात जलाने वालों के खिलाफ एक्शन तेज करने का हुक्म। आलूदगी के बायस बनने वाली फैक्ट्रियों को गिराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। महकमा स्कूल डिपार्टमेंट को पिक एंड ड्रॉप के लिए बसें देने की तफसीली रिपोर्ट जमा करवाने का हुक्म। टॉलिंटन मार्केट से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट आइंदा समात पर तलब। लाहौर के इलाके कहना में पोलियो अमले से नारवा सलूक मुकदमा दर्ज। इंसाफ न मिलने पर पोलियो वर्कर्स का एहतजाज। फिरोजपुर रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। दूसरी जानब कराची के इलाके नाजिमाबाद में पोलियो टीम के साथ नारवा सलूक का मुकदमा दर्ज। खातून समेत 3 मुलजमान गिरफ्तार कर लिए गए। चागी में अफगान महाजिर कैंप में 5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। चागी में 4 साल के बाद पोलियो वायरस केस रिपोर्ट हुआ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरे कतर। वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का आलमी और इलाकाई मसाइल पर मुशावरत। चैलेंजेस से निपटने के लिए पुरान हल और बाहमी तआवुन की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के तआवुन को सराहा और मुख्तलिफ शोबों में कतर की मुसलसल हिमायत पर इजहार तशक्कुर किया। हमारी प्रायोरिटी ये है कि हमने किसी भी सूरत में तानू प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसा साल भी 10 दफ़ा हो, जदों दिल करे ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक तानू वीज़ा मिलेगा, उसके बाद तुसा फ्लाइट फड़ो तैयार। पाकिस्तान सिख यात्रियों की सहूलत में एक कदम आगे, मुफ्त वीज़ा देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीका से आए सिख यात्रियों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा सिख यात्रियों को एयरपोर्ट पर आधे घंटे में वीज़ा मिलेगा। जितने भी सिख यात्री पाकिस्तान आना चाहें हमारे दरवाजे खुले हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में सिख यात्रियों के लिए खसूसी कोटा रख रहे हैं। भारत से मैच देखने के लिए आने वालों के लिए खसूसी इंतजाम किए गए हैं। इस दफा इंशाल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आजादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईन ने दिया है आपको, तो आपको जेलों में डाला जाता है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस बार फैसला कुन जंग के लिए घरों में बता कर निकलेंगे। मुल्क में हकीकी आज़ादी मांगो तो जेलों में डाला जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में तकरीब से खिताब। सूबे में तुलबा यूनियंस बहाल करने का ऐलान। कहा हर शूबे की बाग दौड़ तुलबा ने संभालनी है। नौजवानों ने फैसला करना है कि मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। आज मुल्क कर्जों में डूबा हुआ है, खुद मुख्तारी नहीं है।
24वीं आईनी तरमीम के बाद माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गई। वज़ीर इत्तला'आत सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से बातचीत कहते हैं, कोई भी मुकद्दस गाय नहीं है, हर शख्स अपने हर अमल का जवाबदेह है। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार ने अपने ख्यालात का गलत इस्तेमाल किया। बरतानिया, कैनेडा, अमरीका में जजस की तकर्री हुकूमत अदलिया की मुशावरत से होती है। 26वीं आईनी तरमीम मुश्किल मरहला ज़रूर था, लेकिन बिलावल भुट्टो ने वालिदा का वादा पूरा किया। हुकूमती और सरकारी खराजात में कमी पर अमल दरामद जारी। ग्रेड 1 से 22 तक की 4,816 पोस्टें खत्म कर दी गईं। 1954 पोस्टें गैर जरूरी करार दी गईं। मजमूई तौर पर 6,770 पोस्टें खत्म की गईं। किफायत शारी का फैसला वफाकी काबीना के 27 अगस्त के फैसले पर अमल दरामद करते हुए किया गया। इकदाम का मकसद विफाक के इंतजामी ढांचे और इंतजामी खराजात को कम करना है। PIA की निजकारी के हवाले से तकरीब, निजकारी के अमल में हिस्सा लेने वाली कंपनियों की शिरकत। PIA की निजकारी के लिए कंसोर्शियम ने पहली बोली जमा करवा दी। निजकारी कमीशन के मुताबिक 6:30 बजे मौसूल बोलियां खोली जाएंगी। बिडिंग का अमल बराह रास्त दिखाया जाएगा। बानी PTI को जेल में सहूलियात की अदम फराहमी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI जेल में मैनुअल के मुताबिक जिन सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। बानी PTI को अखबार भी फराहम करने की हिदायत। नाकारा मुसाफिर तैयारे को कराची से हैदराबाद पहुंचाने का मिशन, पाकिस्तान की तारीख का पहला जमीनी ऑपरेशन। जहाज को CATAI इंस्टीट्यूट मुंतकिल किया जाएगा। नाकारा तैयारा तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। मोटरवे हुकाम का कहना है, जहाज को प्रोटोकॉल के तहत मुंतकिल किया जा रहा है। सिविल एविएशन और निजी कंपनी समेत ट्रांसपोर्टर्स का अमला मौजूद रहेगा। अमरीकी इलेक्शन में 5 रोज बाकी, ट्रंप और कैमला की इंतखाबी मुहिम अरूज पर दोनों उम्मीदवारों के स्विंग स्टेट्स में हिमायत के लिए ताबड़तोड़ दौरे। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया और नॉर्थ कैरोलिना में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। ट्रंप और कैमला हैरिस के विस्कॉन्सिन में इंतखाबी रैलियों से खिताब। कैमला हैरिस ने कहा, ट्रंप अमरीकी अवाम को खौफजदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कबल अज वक्त इंतखाबात में धांधली का इल्ज़ाम। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया व्हाइट बॉल सीरीज कौमी टीम की मेलबर्न में नेट प्रैक्टिस। खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी स्क्वाड के तमाम खिलाड़ी कल दोबारा प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी जानब टेस्ट बैटर्स की नई रैंकिंग भी जारी। साउथ शकील 20 दर्जे तरक्की पाकर 7वें नंबर पर आ गए। वनडे बैटर्स रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। T20 बैटर्स में बाबर आजम 4थे, मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर। और पाक भारत इंटरनेशनल मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पाकिस्तानी फाइटर्स ने मेला लूट लिया। महमूद रजा ने भारतीय फाइटर रवि साव को हरा दिया। रफीक अफरीदी से भारतीय परदीप हौदा की शिकस्त हुई। दीगर फाइट्स में भी पाकिस्तानी फाइटर्स छाए रहे। 2 फाइट अफगानिस्तान के फाइटर्स के भी नाम रहे।